हाय, वेलकम ऑल ऑन जिम्स ऑर्बिट। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये पहली बार ऐसा है कि मैं वीडियो मोड पे हूँ। नहीं, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी था लेकिन वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता है ये बेहतर होगा। तो देखिए, अभी हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल करने वाले हैं और पहले ही हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मैं आपको एक ऐसा वीडियो दूंगा जिसमें मैं पूरा बता दूंगा कि कैसे हम प्रोग्रेस करने वाले हैं ये 5-6 दिन जो हमारे पास हैं, 28 तारीख से पहले 27 तारीख तक, है ना, 5 ही दिन अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे हम अपने पूरे टाइम शेड्यूल को बनाएंगे, टाइम को बनाएंगे कि जैसे हम सारे चैप्टर कवर कर सकें। और मैं अच्छे क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक्स क्वेश्चन की भी सीरीज चलाऊंगा और लाइव आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखिए, अभी हम ये कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इस चैप्टर के बेसिक्स बहुत ईजी हैं। आपको पेरीमीटर और एरिया पता है सर्किल का? पेरीमीटर आपको पता है कि 2πr होता है, कई बार उसे पाई इंटू डायमीटर भी लिखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता है एरिया ऑफ द सर्किल πr² होता है। देखिए, जब तक मेंशन नहीं होगा, ये तो आपके पेपर में भी आने वाला है कि जब तक मेंशन नहीं होगा आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, अदरवाइज वो ब्रैकेट में क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एरिया ऑफ द सेक्टर और सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, ये आपको आना चाहिए। तो देखिए, ये कुछ ऐसा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर आपको पता है कि ऐसे समझते हैं इसको। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में एकदम समझाने की यहाँ पे, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो अगर मैं एक पॉइंट पे यहाँ पे एक आदमी को बैठा दूँ और बोलूँ भाई चलो तुम पूरा घूम के आओ यहीं पे वापस, तो कितना एंगल कवर करेगा? 360 डिग्री एंगल कवर करेगा, सही है। और तब कितना एरिया कवर होगा? तब जो एरिया कवर होगा वो होगा टोटल सर्किल का एरिया πr², क्या ये बात सही है? सही है ना। तो यानी 1 डिग्री में वो कितना एरिया कवर कर रहा होगा? πr² / 360, ये बात भी सही है। अगर वो 1 डिग्री में इतना कर रहा है और मैं उससे कह रहा हूँ भाई तुम कितना डिग्री मूव किए हो, तो वो कहता है मैंने शायद 10 डिग्री किया है। तो उसे कहता हूँ अच्छा, अगर मैं तुमको अननोन डिग्री दे दूँ तो उससे मैं कह देता हूँ ऐसा करो तुम θ डिग्री मूव किए हो, कितना θ डिग्री। तो वो कहेगा ठीक है, अगर मैं θ डिग्री मूव करूंगा, अगर मैं थीटा डिग्री यानी थीटा एंगल मूव करूंगा, थीटा डिग्री का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, अगर मैं थीटा एंगल मूव करूंगा तो मैं इतना एरिया इंटू थीटा कवर कर लूंगा, खत्म कहानी। यही तो फॉर्मूला है, θ/360, θ/360 एक साथ लिख लो, πr² को बाद में लिख लो, मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हो ना थीटा को πr² से, आ गया। तो यानी अगर एक आदमी 360 डिग्री में πr² कवर करता है तो थीटा में कितना कवर करेगा? πr² / 360 × θ, या θ/360 × πr², क्या जरूरत पड़ी है याद करने की, है कि नहीं है। दूसरा देखिए, अब आपसे मैं कहता हूं, अगर उसी आदमी से मैं कहता कि अरे भाई तुम यहां से यहां आयो वापस, तो तुमने कितनी लेंथ कवर करी है, तो वो कहेगा जितनी सर्कमफेरेंस है उतना कवर किया है, यानी कि 360 डिग्री में उस बंदे ने 2πr कवर कर लिया है, पूरा सर्कमफेरेंस सर्किल का 2πr होता है, यानी 1 डिग्री में उसने कितना कवर किया है? 2πr/360। तो अगर वो थीटा एंगल चल रहा है, सिर्फ थीटा एंगल मूव किया है, तो वो कितना एंगल कवर करेगा, कितना मतलब लेंथ कवर करेगा, वो कितना लेंथ कवर करेगा? बस थीटा मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो θ × 2πr/360, या θ/360 × 2πr, बात समझ में आ गई, इजी है। तो आपको देखिए, फॉर्मूले में तो इसमें कुछ रखा नहीं है, इसके क्वेश्चंस काफी अच्छे बन जाते हैं, और एक क्वेश्चन इसका सेट है जिसमें वो एरिया का शेडेड एरिया निकलवाएंगे, तो ये आपको समझना है। सेगमेंट का भी एरिया होता है, तो उसको मैं अगले पेज पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये होता है सेक्टर जो एक सर्किल की दो रेडाई और आर्क के बीच में बनता है, इस पूरे एरिया को आप सेक्टर कहते हो, ठीक है, सेक्टर। लेकिन अगर आप एक कॉर्ड बना दो, ठीक है, कॉर्ड, और उस कॉर्ड और आर्क के बीच में बात करो, तो उसको आप सेगमेंट बुलाते हो। तो सेगमेंट वो एरिया होता है जो कि आर्क और कॉर्ड में बनता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे ये एरिया चाहिए तो मैं सेक्टर में से वो ट्रायंगल जो बन रहा है ये इसको हटा देता हूं, है ना। तो मैं क्या करूं, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटा दूं। अब ट्रायंगल का एरिया बहुत तरीके से निकाला जा सकता है, तो वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, शायद ½r² sin θ भी बन जाता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी वो जरूरत नहीं है, हम अगर चाहेंगे तो उसका फॉर्मूला बाद में डिराइव कर लेंगे, किसी और पार्ट में कर दूंगा उसको, अदरवाइज अभी तो इसे ऐसे ही चला रहा हूँ। इस सीरीज, इस वाली वीडियो में तो जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं, एक इजी क्वेश्चन होगा, फिर अच्छे 2-3 क्वेश्चन होंगे, ये ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी पहली बार ये पूरा एकदम न्यू प्लेटफॉर्म स्टाइल बनाने की कोशिश किया हूँ, तो मुझे लग रहा है इसका भी मुझे सही एक रिस्पॉन्स मिल जाए, फिर आगे वीडियो उसी तरीके से आ जाए, है ना।
फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल एंड रेडियस. तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही नहीं. इस बार पेपर ईजी आ रहे हैं, है ना. मुझे लगता है आपका इंग्लिश और साइंस का पेपर अच्छा गया होगा, उसी में मैंने थोड़ा आपकी मदद करने की कोशिश की थी. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सही है, तो थीटा कितना है, 120 डिग्री है, 360 अब इंटू पाई आर स्क्वायर. अभी जब कुछ नहीं बोला तो 22/7 ले लीजिए, और मुझे लगता है पाई में ही आंसर छोड़ना सही है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है. ठीक है, 18 × 18 कर दीजिए. देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 12 × 12 और 12 × 3 = 36 हो जाएगा, 3 × 3 = 36 = 18 हो जाएगा. आप चाहें तो 22/7 ले सकते हैं, पर कुछ कैंसिल तो करने नहीं वाला, मैं आंसर पाई में ही छोड़ देता हूँ. 6 × 8 = 48 का 8, 4 × 6 = 6 × 4 = 10, तो 108 π² cm. ठीक है, ये हमारा आंसर है. आप इसे 22/7 लेके या 3.14 लेके कर लीजिए, दोनों ही सही है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, मैं वैसे भी कैलकुलेशन इतनी करता नहीं हूँ. सेकेंड क्वेश्चन है. अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क्स कट ऑफ फ्रॉम अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 बाय अ कॉर्ड 12 cm लॉन्ग. देखिए ये कह रहा है एक सर्किल है, तो चलिए एक सर्किल बना लेते हैं तुरंत से. सबसे पहले एक मिनट, ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्किल बन गया. हमें लेंथ ऑफ द आर्क्स ऑफ सर्किल, रेडियस 12 है और कॉर्ड भी 12 है, तो एक लाइन बना लेते हैं और रेडियस बना लेते हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया है, और इसमें लिखा हुआ है कि जो हमें 12 रेडियस है और साथ ही साथ आर्क भी 12 है. ठीक है, तो सॉरी कॉर्ड भी 12 है, तो ऑल्सो फाइंड हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना और लेंथ ऑफ द आर्क. तो देखिए अगर इस आर्क का नाम ए बी आर्क कह दें, ए सी बी आर्क कह दें, तो आर्क ए सी बी की जो लेंथ होती है वो होती है थीटा अपॉन 360, क्योंकि अगर एंगल थीटा सप्रेंड हो रहा है, इंटू कितनी होती है आपको पता है, 2 π r. अब यहां इन्होंने बुद्धि लगवा ली, इन्होंने पता है आपको क्या किया, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, इन्होंने आपको थीटा नहीं दिया. अब आप सोचोगे कैसे निकलेगा. देखिए अगर थोड़ा आपने अगर थोड़ा सा भी अपने अच्छा मैथ पढ़ा है बेसिक्स वाला 6th क्लास में, तो आपको पता लग गया होगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना. और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं. सही बात है, तो यानी ये एंगल हो गया 60/360 इंटू 2 π r. सही है, तो यहां से सीधे सीधे आ गया, ये 1/6 हो जाएगा इंटू 2 पाई को उन्होंने देखिए बोल दिया क्वेश्चन में, आप कुछ और नहीं ले सकते, 3.14 इंटू आर. एक्चुअली मैं अपना कैलकुलेटर ढूंढ रहा हूँ. ठीक है, तो ये हो गया. ठीक है, 6 × 2 = 12, चलिए कैंसिल हो गया, बच गया मैं, तो 2 × 6.28 हो जाएगा, 6.28 को 12 × 56 होता है 12, तो 12.56 हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर. सही है, आ गई आर्क ए सी बी की लेंथ, तो ये तो लेंथ आ गई. ठीक है, अब आप देखिए अगला वाला है, उसमें आपको एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालना है. तो आपको पता है ये होता है सेगमेंट, यही तो हमको पता है ये सेगमेंट होता है. तो अब आप क्या करिए, इसमें आप ऐसा करिए कि आप सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, और सेक्टर के एरिया में से आप एक ट्राइंगल का एरिया सेपरेट कर दीजिए, और ये आपको पता है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है. तो आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए, माइनर सेगमेंट तो बोला ही उन्होंने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए और उसमें से सेपरेट कर दीजिए किसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको ओ नाम दे देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को. बस मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि मेरी इमेज ने इसको क्रॉप ना कर दिया हो. ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको फॉर्मूला लिखना है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. आपको पता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है, इस ट्राइंगल की साइड वही है जो रेडियस है, यही तो बात है. तो बस इंटू आर स्क्वायर लिख दीजिए, ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत है नहीं. ठीक है, वैसे ए स्क्वायर होती है लेकिन हमें पता है ये तो साइड वही आ गई है. ठीक है, अगला करते हैं. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको पता है 60 रखनी है. मैं इसको ज़्यादा सॉल्व करने के उसमें नहीं हूँ, आप इसमें से आर स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हैं. चलिए मैं कर ही देता हूँ, मैं आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ. ठीक है, अगले पेज पे कर देता हूँ, एक मिनट. तो 1/6 60/360 हो गया 1/6 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है. ठीक है, ये मैंने आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, याद रखिएगा, माइनस √3/4. ठीक है, आर स्क्वायर दोनों में था,
और रेडियस आपको पता है कितनी है? रेडियस आपको दी है शायद, मुझे नहीं याद है, 12 है ठीक है। तो ये हो जाएगी 12 इंटू 12, ये आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता, डिवाइड ही करना पड़ेगा। 6 5 30 और 14 बचेगा, तो ये जाएगा नहीं, ये बड़ा अजीब सा डेसिमल ही है। तो 6 5 30 और 4 बचेगा तो 14 हो जाएगा, 6 2 12, फिर 2 बचेगा, फिर 6 6, अब ये डेसिमल वाला खेल बढ़ेगा। तो 6 5, अगर 314 होता ही है तो ये 52.6 होता, लेकिन क्योंकि 100 है तो दो प्लेस और आ गया, तो 0.526 हो जाएगा ठीक है। माइनस रूट 3/4, तो रूट 3 आपको पता है 1.732 बोला है कि नहीं, देख लेते हैं, नहीं नहीं बोला है, 1.732 होता है लेकिन यहाँ बोला नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं हमें पड़ी है इसको करने की। तो 1.73 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 4 16 होता है, 13 आ जाएगा, 4 3 12 होता है, और ये इसी तरीके से जाएगा। तो 0.1 कदम निकाल लेते हैं, 4 4 16 13 हो गया, 4 3 12 10 हो गया, 4 2 8 0.432 हो जाएगा ठीक है। 12 12 144 होता है, और यहाँ से ये आ जाएगा 0.6 में से 2 गया 4, तो उनसे 3 या 12 3 या 9, 0.94 ठीक है। तो बस आपको 0.94 144 में मल्टीप्लाई करना है, ये अपने आप करिएगा ठीक है, वो एरिया हो जाएगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, समझ गए होंगे ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है ये क्वेश्चन वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, क्यों? ये इजी है, पर इन्होंने देखिए भाषा में खेला है। इट इज प्रपोज्ड टू ऐड, एक मिनट, टू ऐड टू सर्कुलर एंड्स ओके टू अ स्क्वायर लॉन हूज साइड मेजर्स 58। तो एक स्क्वायर लॉन है ठीक है भाई, एक स्क्वायर लॉन ले लेते हैं हम, एक मिनट ठीक है। उसके द सेंटर ऑफ द सर्किल, जो आपको सर्कुलर एंड जोड़ना है, द सेंटर ऑफ द सर्किल बीइंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, तो यानी कि दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन से आपको सर्किल लेने हैं ठीक है, ठीक है। तो हमें पता लग गया है कि अगर हम थोड़ा बुद्धि लगाएं तो हमें यह पता लगेगा कि यहां से एक सर्कुलर आर्क है जिसका सेंटर यहां पे, एक और आपको लेना है तो एक इधर ले लीजिए, आप चाहें तो कहीं भी ले सकते हैं, ये कहीं नहीं बोला है कि वो दो जो सर्कुलर एंड लेने हैं वो अगल बगल लेने या आमने सामने लेने ठीक है। तो अब आप क्या करिए, आप ऐसे बुद्धि लगा लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहां से ऐसे सोचिए कि ये जो सर्कुलर एंड है इसका सेंटर होगा यहां पे ठीक है, तो क्या ये एक सेक्टर नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो यानी ये जो सर्कुलर एंड है ये एक सेक्टर बन जाएगा, सही है। अब आप देखिए अगर ये सेक्टर बन जाएगा तो सीधी सीधी सी बात है, अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया हटा दूंगा तो ये एरिया मिल जाएगा, लेकिन मैं क्यों हटाऊं? उन्होंने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द होल लॉन, उन्होंने तो ये नहीं बोला ना सर्कुलर एंड का निकालना है। तो बस अब आप क्या करिए, चुपचाप से बुद्धि लगा के सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, उसी एरिया को डबल कर दीजिए। अब रह गई बात, अगर मैंने ये दोनों एरिया निकाल लिया तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाए किसी तरीके से, है ना। अब ये एरिया आपको कैसे मिलेगा, ये एरिया आपको मिलेगा अगर आप थोड़ा आपको पता हो कि ये स्क्वायर के चार टुकड़े हो गए, चार टुकड़े हो गए ना, यानी कि ये एरिया सीधी सीधी बात है एक चौथाई है स्क्वायर के एरिया का। अगर आपने ये स्क्वायर देखा, ये तो नहीं है कहीं से भी, एक मिनट, हाँ ये देखा आपने, तो देखिए चारों एरिया बराबर होंगे ना। अगर चारों एरिया बराबर होंगे तो हमें क्या जरूरत पड़ी है हम इस एरिया के लिए परेशान हो अलग से, हम बस चुपचाप से क्या करते हैं, इस एरिया को पता है 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, तो कुल मिला के आधा स्क्वायर का एरिया जोड़ देंगे। तो मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिएगा, उसका दुगना कर दीजिए और हाफ टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए, और ये ऊपर समझा दीजिए आपने कैसे किया, बस इतनी सी बात है ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप फॉर्मूला पता है, ये देखिए एंगल आपको पता है 90 होता है, 90 होता है ये, तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सही, पाई आर स्क्वायर, रेडियस वही होगी जो इसकी लेंथ है, अभी ये निकालनी पड़ेगी, और हाफ एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड कितनी दे रखी है 58, तो 58 का स्क्वायर, है ना। अब हम फंस गए, हमें ये रेडियस चाहिए। आपको ये बात पता होगी कि डायगोनल जो होता है वो ए रूट टू होता है, होता है ना ए रूट टू, तो ये हो जाएगा 58√2, कितना हो जाएगा 58√2 हो जाएगा। अब आपको पता है उसका आधा है ये, क्योंकि उसका आधा है डायगोनल का, तो आधा है ये लेंथ, तो ये हो गया 29√2, तो यहाँ रेडियस लिख दीजिएगा 29√2 का होल स्क्वायर। पाई आपसे बोला नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं, देखिए ये 90/360 / 4 हो जाएगा,
इसको मैं पाई ले लेता हूँ, ये हाफ है 58 का स्क्वायर। अभी देखिए मैं कैसे करूँगा इसको, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 29 का स्क्वायर और रूट 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 और ये 2 आप नहीं कैंसिल मत करिए, 29 2 जा 58 करके एक बाहर निकाल लीजिए, सही है। तो ये पाई इंटू 29 बाई 2 नीचे रह जाएगा, सही है, ये 58 है, सही है, और ये 58 एक बाहर गया तो एक हाफ और एक 58 बच गया, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 29 18, ये भी हो गया 29। तो आप एक 29 बाहर निकाल लीजिए, तो बचेगा अंदर क्या, पाई बाई 2 प्लस 1, 29 भी बाहर आ गया। अब आप समझे, अब आपको बस पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14, अगर आपको रखनी है वही रख दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, जो अगर गलत करेगा वो अपने आप आंसर दे जाएगा सही, है ना। तो आप समझ रहे हैं, इस वाले वीडियो में मैं 3 ही क्वेश्चन रखता हूँ, इसके अगले वाले पार्ट में हम और क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा सा टेस्ट वीडियो टाइप का समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले में और अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, है मेरे पास अगला क्वेश्चन, मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे देता हूँ, चलिए ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, आप ट्राई करिएगा, अगली बार जब मैं शुरू करूँगा तो यहीं से करूँगा, इसके ऊपर एक और 2 वीडियो और बनाऊँगा, ठीक है। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आपको ये वाला फॉर्मेट थोड़ा बेटर लगा हो, मैंने कोशिश की है और इम्प्रूव करने की, अगर आपको कोई कमी लग रही हो तो अभी भी मुझे बता सकते हैं, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ऑडियो वाला अगर थोड़ा ख़राब हुआ हो तो वो अगली बार अच्छा हो जाएगा, थोड़ी सी उसमें दिक्कत हो रही थी इसमें से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।